गॉड्सट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखती हूँ यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मैं फर्स्ट स्लिप चूज कर रही हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इसमें चौपाई है पहली स्लिप में, और ये चौपाई है, पठवहु कामु जाई शिव पाही, करें छोबु शंकर मन माही। यूनिवर्स ने आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए कामदेव को भेज दिया है बाण चलाने के लिए कि अब जाओ और शिव जी को जागृत करो, शिव जी को जगाओ। तो आपके पर्सन मतलब पूरी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने ही वाले हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो चौपाई है, ये कह रही है कि शिवजी जब समाधि में थे तो उनको इसलिए जगाना था क्योंकि माँ पार्वती की तपस्या सफल हो गई थी। अब शिवजी को समाधि से जागना है और माँ से विवाह होना है। तो अब वो जागे कैसे, तो जाके कामदेव को भेजा गया था कि जाओ तुम जाके बाण चलाओ, जाके अपने प्रेम का बाण चलाओ और वो शिवजी जागे तो तभी तो यूनियन होगा। तो आपके पर्सन के इमोशंस जगाए जा रहे हैं, आपके पर्सन को आपके लिए इमोशनल किया जा रहा है, आपकी यादें दिलाई जा रही हैं, बहुत हाई लेवल की यादें दिलाई जा रही हैं। आपके पर्सन को पूरी तरीके से जगाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि अपनी डीएफ की ओर बढ़ो, अपने पर्सन की ओर बढ़ो, ये आपके पर्सन से कहा जा रहा है। इतनी पावरफुल एनर्जी, इतना प्यारा मैसेज दिया है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स लॉट्स ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें है, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की परवाह नहीं करना कि जिनको बस दूसरों की मतलब अच्छाइयों में, जिनके दूसरों के सुख देख के जिनको दुख होता है उनमें उलझो मत। आपसे कहा जा रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और आपके पर्सन को जगाने के लिए भेजा जा रहा है, कामदेव को भेजा जा रहा है, उन्हें जागृत किया जा रहा है, उन्हें अवेकन किया जा रहा है, तो फिर किनको दिक्कत होगी, कार्मिक्स को दिक्कत होगी। जे पर दोष लखई सहसा की, पर हित ग्रत जिनके मनमाही। तो आपसे ये कहा गया है कि आप उनके कार्मिक्स को ज़्यादा एनर्जी ना दें, उनके बारे में सोचें ना, लेकिन हाँ उन पर बजरंग बाण जरूर चलाते रहें। अपने पर्सन को सुरक्षा देने के लिए उनके लिए कवच का पाठ करते रहें, और कार्मिक से बचाने के लिए, कार्मिक को की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए करना पड़ता है। ये जो फार्मूला लोग कहते हैं कि कार्मिक्स क्या करें, वो उनका कोई दोष नहीं होता, ये सब, मैं ये सब नहीं मानती, क्योंकि बॉडी का कोई दोष नहीं होता, लेकिन एनर्जीज जो होती हैं, दोष एक तरह से नहीं माने कि हमने उनसे लिया है तो वो हमें पे करना ही, उनको चुकाना ही है, लेकिन कार्मिक कभी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते, अपना हिसाब वसूलने के बाद भी डीमेंस उन्हें जाने नहीं देते हैं। इसलिए कार्मिक के लिए ओवर काइंड होने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस में रहना है। उन सिर्फ इतना है कि वो हमारे लेनदार हैं, हमने उनसे लिया है तो हमें उनको अपना उनका कर्ज चुका देना है। उसके बाद ये नहीं सोचना है कि अरे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो ईश्वर जाने। आप अपना यूनियन मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन को आपके लिए अवेकन कराया जा रहा है। आपका यूनियन मैनिफेस्ट करना एक तरह से आपका राइट भी है, और यूनियन तो तभी मैनिफेस्ट करते हैं डीएफ जब डिवाइन से कनेक्टेड हो जाती हैं, डिवाइन को सरेंडर हो जाती हैं, तो उसी लेवल पे जाके मैनिफेस्टेशन सफल भी होता है। और मैनिफेस्टेशन का मीनिंग यही होता है कि ईश्वर से कह दिया कि मुझे ये चाहिए, और फिर भूल जाओ कि इस फेथ में आ जाओ कि हाँ मुझे ये मिलेगा। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपके पर्सन को अवेकन कराया जा रहा है, लेकिन उनके कार्मिक के बारे में सोचो मत कुछ भी। उनको कार्मिक को पूजा पाठ का फल दे दो कर्ज चुकाने के लिए, उसके बाद वो फिर भी परेशान करेंगे तो उन पे बजरंग बाण चलाओ, बस ये कहा जा रहा है। बस इतना करो, उनके लिए ये नहीं सोचना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे ये भी तो है, ये कहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब है हम उन्हें बॉडी मान रहे हैं, उन्हें हम समझ रहे हैं कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। तो वाइफ हस्बैंड कौन है? वाइफ हस्बैंड सिर्फ बॉडी है, सोल किसी की वाइफ किसी का हस्बैंड नहीं होती है। तो आपको सोल के कॉन्सेप्ट पर रहना है कि सोल तो आपके यूनियन में वैरियर बनती ही है, तो आप सोल के कॉन्सेप्ट पर रहें कि सोल का कर चुकाएं, उनका पूजा पाठ का फल दें, और अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे, और अगर की बात ही नहीं है कार्मिक फिर भी नहीं मानेंगे, तो फिर बजरंग बाण का पाठ करें ताकि उनकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाए, वो आपके पर्सन को परेशान ना कर सकें। बस इतना आपके लिए कहा जा रहा है। आप बॉडी के कॉन्सेप्ट से कार्मिक को ना देखें कि ये वाइफ हैं, ये बच्चे हैं, ये वो है, वो कुछ नहीं है, वो बॉडी कुछ भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपकी यूनियन में बैरियर है। और आप जब डिवाइन को सरेंडर हो चुके, जब आप कार्मिक से माफ़ी मांग चुके, सब कुछ जेलस वेलस सब हील हो चुके हो, तब ये करना होता है। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें है चौपाई, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकरण सम सोबत नी के। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ तो ऐसे
व्यूअर हैं जो हो सकता है थोड़ा सा लेजीनेस फील कर रहे हों, हो सकता है कि वो उनको नीड हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की। मैं हर बार ये कहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज़्यादा फंस रहे हो तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, लेकिन यहाँ एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपको एक्टिव होना है। जो व्यूअर ऐसे हैं जो फील कर रहे हैं कि थोड़ा सा उनमें आलस ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा लेजीनेस को ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो वो एक्टिव हो जाएं, उनको एक्टिव होने के लिए कहा जा रहा है। और उदय केतसम हित सभी के, ये कहा कि आपको एक्टिव होने का मीनिंग ये है कि अपना शेड्यूल बनाना है कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम ये करना है, क्योंकि क्योंकि जब तक आपकी तपस्या सफल हुई है, आपने अब तक जो इनर वर्क किया है, आप अगर थक गए हो, आपने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, तो अब रेस्ट कर ले तो रेस्ट किस टाइम तक करेंगे, रेस्ट कर भी लिया है तो आप फिर से उठिए और फिर से अपने काम में लग जाइए। ये आपसे कहा गया है कि नहीं, अब काम फिर से शुरू करो, जो आप सोच रहे हो, जो प्लान कर रहे हो ना, उस पर फिर से उतने ही एक्टिव हो जाओ, ये आपसे कहा जा रहा है। और कहा है इसी में सबकी भलाई होती है, इसी में आपकी और आपके पर्सन की भी भलाई है, तो बस एक्टिव रहो, आप क्रिएटिव रहो, हर टाइम कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। नेक्स्ट स्लिप में आया है दोहा, इसमें ये दोहा है, बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपुरानी परजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। ये भगवान राम और उनके भाइयों के बचपन का वर्णन है कि उनके बचपन में कितने सब खुशियां हैं। तो ये बचपन, जो छोटे बच्चे अगर ड्रीम में आते हैं तो वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बाल चरित की बात हुई है, तो आपके पर्सन की एक तरह से न्यू बर्थ हुई है, न्यू बर्थ या तो हो गई है या होने वाली। न्यू बर्थ का मीनिंग है कि एनर्जी वाइज उनकी न्यू बर्थ हो गई है, उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी को समझाने के लिए, यानी उनकी अवेकनिंग के लिए जो कामदेव जी भेजे गए थे, तो वो होने वाला है, किसी किसी के साथ हो गया है, और जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग की वजह से, उनकी न्यू बर्थ की वजह से यूनिवर्स बहुत खुश है। नृपुर रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बेहंग, यानी प्रकृति खुश हो रही है। जब कोई डीएफ जागती है तो प्रकृति खुश होती है, जब डीएम जागते हैं तो प्रकृति खुश होती है, क्योंकि दोनों जागेंगे तभी तो यूनाइट होंगे। और प्रकृति ऐसे लवर्स को ही तो मिलाती है, और ऐसे लवर्स के मिलन पे ही तो खुश होती है, प्रकृति नाचती है। तो वही मुझे होता हुआ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो अवेकन हो रहे हैं, और जो किसी किसी की अवेकनिंग कंप्लीशन की ओर है, तो इसमें प्रकृति खुश हो रही है, और प्रकृति तो खुश होगी। तो आपको क्या, हम सबको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया जो आप इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को जगा रहे हैं, इतने प्यार से जगा रहे हैं, तो आपका अनंत 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 शुक्रिया। नेक्स्ट स्लिप में भी दोहा है, ये है, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ने देखा चहे नाथ तुम्हार विवाहु। देखिए देखिए, मुझे क्या पता था कौन सी चौपाई आने वाली है। अभी यूनिवर्स ने सुबह से यही कहा था कि आपके पर्सन की अवेकनिंग जो हो रही है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ड्रीम में आते हैं तो वो मैस्कुलिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैस्कुलिन ही को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू बर्थ हुई है तो वो खुश हो रहे हैं, यूनिवर्स खुश हो रहे हैं, प्रकृति खुश हो रहे हैं, अभी इस दुआ से यही कहा गया था। और अगली जो 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 दोहा दे दिया वो भी यही कह दिया गया कि सकल सुरन के हृदय, सब देवताओं के दिल में यही चाहत है, शंकर परम उछाओ, शंकर जी के प्रति इतना प्रेम है कि निज नयन ने देखा चाहिए, सब देवी देवता चाहते हैं नाथ तुम्हार विवाह, सबको तुम्हारा विवाह देखना है। सब देवी देवता मतलब देवता कह रहे हैं भगवान शिव से कि हम सब तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। मेरी जुबान से अभी, इस जुबान से यूनिवर्स ने अभी यही कहा था कि प्रकृति खुश होती है इनके मिलन पे, और प्रकृति ने कह भी दिया कि हाँ, हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारा विवाह अपनी आंखों से देखें, हम तुम्हारे विवाह के साक्षी बने, यानी आपके मिलन के साक्षी बने। कितने खुश है, कितनी प्रकृति कितनी खुश है, यानी जो अभी कहलाया, और अगले दोहा से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हाँ, हम तुम्हारा विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, आप इस वर्ड को दोबारा बार 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 देखिए, इस इन शब्दों को, दोहे के इन शब्दों को, ना निज नैन देखा चाहिए, यानी अपने नैनों से देखना चाहते हैं ना तुम्हारा विवाह, यानी आपका विवाह, आपका यूनियन देखने के लिए प्रकृति तरस रही है। आप क्या तरस रहे हो अपने अपने मैस्कुलिन के लिए, अपने पर्सन के लिए? प्रकृति तरस रही है आप दोनों को मिलाने के लिए। कितनी पावरफुल एनर्जी आई, ओ माय गॉड। अगला फिर दोहा, बैक टू बैक दोहे दिए जा रहे हैं, ईश्वर खुश हैं तभी तो इतना गा रहे हैं। नेक्स्ट है ये दोहा, बंदो विधि पद रेणु भव सागर जय कीन जहां, संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विश बारून। यहाँ पे ये कहा गया है कि मतलब वंदना की गई है, बंदो विधि पद रेणु भव, यानी हर किसी किसी को, तुलसीदास जी ने
कथा लिखने से पहले सबकी वंदना की थी, सागर जही कीन जह, यानी सागर की भी वंदना की थी, संत सुधा ससी धेनु, यानी संतों की, संत सुधा यानी संत का जो वर्णन है, संतों की जो कथाएं हैं वो एक तरह से अमृत समान है, और माँ गौ माता को भी प्रणाम किया गया है। इसमें प्रगटे खल विश्व बारूणी, यानी समुद्र मंथन जो हुआ था उससे सब प्रकट हुए थे, यानी समुद्र मंथन की वो जो जो अवेकनिंग के लिए अभी आए ना एनर्जी, अभी जो अवेकनिंग के लिए जो आ रही है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए, आपका मिलन देखने के लिए उत्सुक हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये कहा गया है कि आप मतलब समुद्र मंथन जो हुआ था, आप जानते हो कि डीएफ कैसे आवेगन होती है कि अंदर के सारे इशूज हील करे जाते हैं, फिर एक तरह से अंदर मतलब समुद्र मंथन ही होता है, अंदर सब अंदर के जितने भी सारे इशूज होते हैं सब निकल जाता है, एक डिवाइन सोल बन के उभरती है, डिवाइन सोल होती है, सारी लेयर्स हट जाती है, वो मंथन जो हो जाता है ना, वही मंथन इस चौपाई में भी मंथन की एनर्जी आई कि संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल विश्व बारूणी, समुद्र मंथन में सब निकला था, सारे विष निकल गए थे, सब ये हो गया था, माँ लक्ष्मी भी प्रकट हो गई थी, घोड़े भी प्रकट हुए थे, अमृत भी प्रकट हुआ था, सब प्रकट हुआ था, तो आपके पर्सन की एनर्जी से सब कुछ, उनका उनका राग द्वेष यानी वो उनका अटैचमेंट, आप किसी चीज़ से अटैचमेंट और डिटैच, अटैचमेंट डिटैचमेंट जो होता है ना, ये दोनों बंधन होते हैं, सुख भी बंधन है और दुख भी बंधन है। अगर हमने पुण्य ज़्यादा कमाए हैं तो हमें पुण्य कुछ पुण्य भोगने के लिए हमें धरती पर आना पड़ेगा, और हमने पाप कमाए हैं तो पाप भोगने के लिए हमें धरती पर आना पड़ेगा, तो पाप और पुण्य दोनों, एक सोने की चेन है एक लोहे की चेन है, हमें दोनों से मुक्त होना है। अगर हम सोने की चेन में बंध गए तो वो भी हमें धरती पर दोबारा ले आएगी, और लोहे की चेन में बंध गए फिर तो मुश्किल ही हो जाती है फिर छूटना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन की ये इस तरीके की जो इशूज़ हैं वो अब किसी से अटैच थे तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया है, वहाँ से भी वो रिलीज़ कर रहे हैं सब, और किसी से अटैच मतलब किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता था या कोई उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो उससे दूर भागते थे, तो उसकी भी एनर्जी से निकल गए, वो एक तरह से ये बैलेंस होना हो गया, वो बैलेंस हो गए हैं कि कोई अगर उनके नापसंद का व्यक्ति है, नापसंद की चीज़ है तो वो उससे भी अब वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कोई उनका पसंद का है तो उससे भी वो अटैच नहीं हो रहे, बैलेंस हो गए वो पूरी तरीके से, समुद्र मंथन जो हो गया ना उनके अंदर का, तो अच्छे से यूनिवर्स जो करते हैं, यूनिवर्स का कोई जवाब थोड़ी नहीं है, यूनिवर्स को हम जवाब थोड़ी कि जवाब है क्या, भक्तों के पास तो जवाब होता है, भक्त भगवान की बातें अलग होती हैं, बट यूनिवर्स जो करते हैं ना सब अद्भुत होता है। नेक्स्ट स्लिप है और मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मैं बस इसको लास्ट रखूं, आगे इंट्यूशन आएगा तो ले सकती हूं, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मैं इसको लास्ट रखूं। ये है चौपाई, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यहाँ अवध तजे या यानी जो भक्त लोग होते हैं भगवान राम की जन्मभूमि अवध को छोड़ने के बाद उन्हें लगता है कि कहीं संसार ही नहीं है, कहीं कोई संसार है ही नहीं, बस अवध ही है। भक्तों की तो लीला यही होती है, जहाँ उनके भगवान के चिन्ह हैं, जहाँ भगवान उनके जुड़े हैं, बस वही उनके लिए सब कुछ है। तो यहाँ एनर्जी मुझे यही पिक हो रही है कि आप दोनों इस एनर्जी में हो कि आपके पर्सन को भी ये समझ आ रहा है कि आपका यानी उनका आपकी ओर आना ही सब कुछ है, उनका संसार आप हो और आपको तो पता है, आप तो अवेकन हो तो आपको तो लग रहा है कि संसार अगर कुछ है तो वो मेरा पर्सन है संसार में कुछ है, बाकी तो संसार के बाहर और संसार में जो कुछ है वो तो फिर मेरा ईश्वर ही है, पहला तो मेरा ईश्वर ही है, उसके बाद भी अगर संसार से कोई रिश्ता रखा जाए तो फिर वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस एनर्जी में आप दोनों हो गए, चार ही खाने जग जीव पारा, नहीं सब जगह, चाहे कहीं भी घूमाओ कुछ भी संसार घूम लो, लेकिन संसार में अवध तजे नहीं तनु संसार है, यानी एक दूसरे को छोड़ के कुछ संसार में है ही नहीं। अगर एक दूसरे को छोड़ दिया जाए, आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं और आप भी यही सोच रहे हो, अगर एक दूसरे को छोड़ दिया तो संसार में कुछ नहीं है, संसार के अलावा तो फिर जो कुछ है वो ईश्वर है, तो आप जानते हो कि ईश्वर ही सब कुछ है, संसार है तो ईश्वर है और ईश्वर है तो संसार है, लेकिन अगर 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन है, और हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन भी 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से का एनर्जी वाइज तो वो भी 5D हैं, वो भी हमारी सोल है, लेकिन एक वो भी बॉडी लेके आए हैं, वो भी बॉडी लेके आए हैं और आप भी बॉडी में हैं, तो फिर बॉडी के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो फिर अगर इस दुनिया में कोई रिश्ता है तो फिर वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है। ये इस आप एनर्जी में हो और आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है, तो मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी जो एनर्जी है, आपके पर्सन की जो अवेकनिंग की बात हुई है, भगवान आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत जल्दी कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी, मैं तो चाहती हूँ कि आप सबको साइन मिल जाए, साइन का आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, आपके पर्सन अवेकन हो जाए, वो आपकी ओर आ जाए, मेरी शुभकामना है आप सभी का यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा।